गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जगहा थाना क्षेत्र में बाइक तेज चलाने के विवाद में युवक की पीट पीट कर हुई हत्या। विरोध में ग्रामीणों ने जगहा थाने का किया घेराव। दोनों परिवार में जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया स्वामित्व योजना की उपयोगिता। कहा ड्रोन कैमरे से तैयार किया जाएगा डिजिटल खसरा खतौनी। गांव में जमीनी विवाद से मिलेगी राहत। मंडलायुक्त ने कुशीनगर जिले में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का किया स्थलीय निरीक्षण। कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्व बैंक के सहयोग से पर्यटन विभाग द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा। सड़क चौड़ीकरण के लिए 15 सितंबर तक भूमि अधिग्रहित करने के दिए निर्देश। गोला थाना क्षेत्र में स्कूल के प्रबंधक पर एक छात्रा से दुष्कर्म का लगा आरोप। आरोपी स्कूल के प्रबंधक ने वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी। एसपी साउथ ने कहा आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा किया गया पंजीकृत। जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम और आरआरटी के साथ कोरोना संक्रमण की समीक्षा। कहा कोरोना के रोकथाम में अभियान की जान है आरआरटी। बांसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत भुसवल बुजुर्ग गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान अवैध असलहे से किए गए हर्ष फायरिंग में एक 8 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से हुआ घायल। चल रहा है उपचार। पुलिस ने आरोपी को अवैध असलहे के साथ किया गिरफ्तार भेजा जेल। गोरखपुर में पहली बार 9 कोविड मरीजों की हुई मौत। जिले में 271 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 8068। अब तक कुल 122 कोरोना पॉजिटिव मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 2697 हुए एक्टिव कोरोना मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। जनपद में चैन स्नैचिंग मोबाइल छिनैती सहित अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के मद्देनजर एसएसपी ने महानगर के प्रमुख स्थानों पर भ्रमण कर लिया स्थिति का जायजा। संदिग्ध वाहनों के चेकिंग के दिए निर्देश। गुलेरिया थाना क्षेत्र के सरहरी चौकी अंतर्गत ईंट से कूच कर महिला की गई निर्मम हत्या। मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ इंस्पेक्टर गुलेरिया सहित फॉरेंसिक टीम। जांच में जुटी पुलिस। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माणाधीन शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की समीक्षा बैठक। कार्यों को अति शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश में खाद की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने बुधवार को तहसीलदार के जरिए राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन। खाद की कीमत घटाने की मांग। कच्ची शराब के ठिकानों पर आबकारी विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। 75 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 4 महिला कारोबारियों को किया गिरफ्तार। आबकारी निरीक्षक ने कहा अवैध शराब के खिलाफ चलता रहेगा अभियान। और चीनी ऐप कैम स्कैनर और एडोब स्कैनर को कड़ी टक्कर देने के लिए जनपद के युवा इंजीनियर ने लॉन्च किया डिजिटल स्कैन ऐप। कहा इस फ्री ऐप से यूजर्स का डाटा है पूरी तरह सुरक्षित।